गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो नहा धोकर तैयार हो गई हूँ मैं, अब पूजा करूँगी। पूजा करने से पहले मैंने सोचा आज आपसे एक वीडियो शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि 15 डेज के बाद मैं पानी में एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक डालकर डालती हूँ। फिर उसके बाद बीच बीच में मैं कुछ जो घर का ही सब्जी होता है उसे भिगो लेती हूँ पानी में, उसे डालती हूँ। सरसों की खली होती है उसे भिगो देती हूँ, उसे डालती हूँ। तो आज मैं जो करूँगी, हमारे घर में होता है ना, हम चावल बनाने के बाद जो पानी मतलब माड़ होता है उसमें 1-5 लीटर पानी में मतलब आप 2 मग डाल दीजिए। करूँगी उसके बाद डालने के बाद धीरे धीरे ये एकदम पूरा खिल उठेगा, और इससे क्या होता है ना, गोवा बहुत अच्छा होता है। ये जो पीले पीले पत्ते हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है ये फ्रेश रहता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये 3 लीटर पानी है, और इसमें मैंने 1 मग ये भात चावल का माड़ मिसा के यूज कर लिया है, इसे पूरे पौधों में डालूंगी। तो आपको मैं बता दूं, ये बहुत अच्छा स्ट्रेस रिलीवर वाला काम है। अगर आपके पास मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है, अगर आपके पास एक्सरसाइज करने का समय नहीं है, मंत्र चैंटिंग करने का भी समय नहीं है, तो आप ना एक हैबिट ग्रो कीजिए। जैसे आप एक, अगर आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो आपको पता होगा उनके साथ टाइम बिताना कितना अच्छा लगता है। अगर नहीं है तो आप शुरुआत कीजिए। तो सबसे पहले एक तुलसी का पौधा लेके आइए, तुलसी के पौधे को ग्रो कीजिए, देखिए वो किस तरह जब लहलहाएगा ना, तो आपका मन वाकई में बहुत खुश हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे एलोवेरा, जो बहुत ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, उसे आप घर में ही रखिए। और यहाँ पर मैंने चिड़ियों के लिए पानी दिया हुआ है, तो पक्षियाँ आती हैं। गौरैया अभी काफ़ी हद तक विलुप्त हो चुकी हैं, आपको पता ही होगा, उनके लिए चावल के दाने और पानी रखिए। वाकई में यहाँ पर आती गिलहरियाँ आती है, और सच में ये एक बहुत अच्छा स्ट्रेस रिलीवर रेमेडी है। तो आप ज़रूर पेड़ पौधे लगाइए, और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए कि वो भी लगाएं, और गिफ्ट दीजिए फ्रेंड्स को, गिफ्ट कीजिए। कहीं आप जा रहे हैं किसी के घर, एक छोटा सा पौधा लेके जाइए, वाकई में उन्हें भी खुशी होगी। ये हैबिट ना मेरी मम्मी में था, पर मुझे देखिए ये देखिए कितनी गौरैया पक्षी आती है, बहुत अच्छा लगता है वाकई में। मॉर्निंग में जब आप इनसे मिलोगे ना, तो सच में जितना भी स्ट्रेस है ना वो रिलीव हो जाता है। और इसे करके देखिएगा, इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। ये देखिए, ये एक पुई शाक बोलते हैं। तो ओके बाय, आस्था बाहर जा रही है स्कूल के लिए, उसका पुलकार आ गया है। तो बस अब मैं इसके बाद यहीं पर मैं अपना वीडियो ख़त्म करूँगी, आपको दिखा देती हूँ। जो देखिए पानी डालते ही किस तरह ग्रीन हो गया है। बस इतना छोटा सा ही काम है, मॉर्निंग में उठ के आप ये वाला आदत डाल दो, और शाम को एक बार हैबिट कर लो ना, तो वाकई में आपका दिन भी अच्छा गुजर जाएगा। और आपको जो परेशानी होती है ना, क्या करूँ, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके लिए आप टाइम निकालने के बाद अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो, कुछ काम करने के बाद जब ये पेड़ पौधे ग्रो करते हैं ना, ऑटोमेटिक आपको अच्छा लगता है कि ये बच्चों की तरह इनका भी, देखिए ये छोटा सा था किस तरह बड़ा हो रहा है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।